दोस्तों, आज मैं आपको पैंट की कटिंग बताने जा रही हूँ। ये दोस्तों 2.25 मीटर कपड़ा है, इसको हम फैला लिया है और ये पैंट खड़े कपड़े में कटती है। अपने साइड दोस्तों खुली साइड रखते हैं पैंट में, तो अच्छे से फैला लिया है। अब हम पहले लेते हैं लंबाई। पहले नीचे मार्जिन 3 इंच का रखा जाता है दोस्तों, तो पहले हम 3 इंच का मार्जिन रख ले रही हूँ मोरी में मोड़ने के लिए। अब लेते हैं लंबाई दोस्तों, लंबाई से है 32 इंच। इसको हम दोस्तों सीधा कर लेंगे, इसको सीधा कर लेते हैं दोस्तों। अब हम लेते हैं इलास्टिक के लिए 2.5 इंच कपड़ा, इलास्टिक के लिए 2.5 इंच, क्योंकि इलास्टिक 1.25 इंच 1.5 इंच की रहती है, तो हम 2.5 इंच का कपड़ा ले लेते हैं, क्योंकि आराम से इलास्टिक मोड़ने मुझे, इसलिए हम दोस्तों 2.5 इंच का कपड़ा लेते हैं। अब हम आसन लेते हैं दोस्तों 14 इंच, 56 इंच का चौथा भाग 14 इंच। दोस्तों बहुत फिटिंग अच्छी रहती है, क्योंकि हैवी पैंट है तो इतना दोस्तों होना चाहिए, जैसे जिससे जितनी कमर उतने ही वैसे ही रखा जाता है दोस्तों पैंट में। 14 इंच आसन की लंबाई है, 14 इंच चौड़ाई, 14 इंच लंबाई दोस्तों। अब हम इसको भी सीधा निशान लगा लेते हैं दोस्तों, जिससे चलेगा दोस्तों। अब हम 14 इंच आसन चौड़ाई, 14 इंच लंबाई। अब हम निशान लगा लेंगे दोस्तों। अब 2 इंच हम गोलाई लेते हैं दोस्तों, गोलाई ले ली। अब 7 इंच 14 का आधा 7 इंच, ये 7 इंच ये भी 7 इंच। अभी हम दोस्तों ऐसे सीधा कर दे रही हूँ। अब हम मोरी लेते हैं दोस्तों, 12 इंच की मोरी है, तो हम 4 इंच ले रहे हैं दोस्तों। चार चार इंच लेके दोनों कपड़ा में। अब ये दोस्तों स्केल से हाई और उसकी नाप बहुत फिटिंग अच्छे से आती है दोस्तों। स्केल से हाई की नाप नहीं लगानी पड़ती है, इसे सही हो जाता है। अब हम इसको काट के निकाल लेंगे दोस्तों।
का फ्रंट हो गया दोस्तों और पीछे का भी, तो हम काट के निकाल दिया। अब हम पीछे का बैक साइड का फ्रंट कटिंग करेंगे। अब इसको हम बराबर कर दिया कपड़ा। अब वही हम दोस्तों आगे वाले कपड़े को फैला लिया दोस्तों। अब आगे वाले पल्ले से पीछे वाले पल्ले में 2 इंच पल्ले से पीछे वाले पल्ले में 2 इंच ज़्यादा कपड़ा रहता है दोस्तों, तो हम पहले मोरी के पास 2 इंच का निशान लगाते हैं। 2 इंच और यहाँ पर भी दोस्तों 2 इंच। अब ये जो निशान है इसको यहाँ से 2 इंच लगाते हैं। अब यहाँ से लेके दोस्तों 14 इंच का ये निशान लगा दिया गया है। अब इसको ये 2.5 इंच का, इसलिए दोस्तों 2 इंच से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब ये पल्ले से इसको भी सीधा कर लेते हैं दोस्तों। अब इसको सीधा निशान लगा के अब हम ये 2 इंच की गोलाई देते हैं दोस्तों। अब हम स्केल से कर लेंगे दोस्तों। स्केल से बहुत अच्छी गोलाई आती है, इसलिए स्केल इस्तेमाल में इस्तेमाल करना चाहिए दोस्तों। अब हम ऊपर दोस्तों जो पीछे पीछे पल्ले में जो है 1.5 इंच की जो है लटक रखी जाती है पैंट में दोस्तों, पीछे का जो निशान दोस्तों मैंने लगा दिए हैं। अब हम पीछे वाले पल्ले से आगे वाले पल्ले से पीछे वाले पल्ले में 1.5 इंच लटक रखते हैं कमर के पास, इससे पीछे का सिरा बड़ा होता है, इसलिए 1.5 इंच ही रखना चाहिए दोस्तों। जैसे बेल्ट होती है वैसे ही दोस्तों रखा जाता है। अब हम इसको हम काट के निकाल देंगे। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों, क्योंकि बहुत मेहनत से ये वीडियो बनाने को बना पाते हैं। मेरी वीडियो अंत तक देखेंगे तभी आप समझ पाएंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तभी आपको वीडियो देखने को मिलेगी और जो वीडियो डालेंगे आपको दोस्तों आप तक के पहुँच जाएगी। मेरा चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो अब हम पीछे का फ्रंट है दोस्तों ये आगे का। अब हम दोस्तों म्यानी की कटिंग करते हैं। इसे पैंट में म्यानी लगाने से दोस्तों पैंट में कोई दिक्कत नहीं होती बैठने उठने में। दोस्तों अगर कम कपड़े में भी कपड़ा कम हो तभी आप म्यानी इस तरीके से कर
काटेंगे तो हो जाएगी। दोस्तों अगली वीडियो में मिलते हैं दोस्तों, और मेरी वीडियो तक भी देखिएगा।